देखिए, आज से कई साल पहले तक वुमेन को सिर्फ यू नो स्टिचिंग, खाना बनाना, बुनाई, घर के अंदर रहने की आदत थी, उनको ये आदत डाली जाती थी, उनको बताया जाता था क्योंकि यही सीमा है। बट आज हम 2021 में हैं और आज अब लड़कियां भी लड़कों जितना भार उठाती हैं, पैसे कमाती हैं, घर चलाती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे अंडरस्टैंड कि आप अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई या हस्बैंड का काम छूट गया, बिजनेस ख़राब हो गया, जॉब छूट गई, तो घर कौन चलाएगा? तो आजकल की महिलाएं सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना जानती हैं और ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, स्पेशली फीमेल्स को पढ़ाएँ लिखाएँ, कुछ करने योग्य बनाएँ और उनको लड़कों से कम नहीं समझें। उनकी भी उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है और उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले कि हाँ ये तो लड़की है, इसने तो जाना ही है घर छोड़ के, यू नो उसकी विदाई होनी है। बाहर के देशों में या अपने कंट्री के, इंडिया के भी कुछ स्टेट्स में लड़के हैं जो अपना घर छोड़ के आते हैं, ना कि लड़कियाँ। तो ये कहना तो बड़ा आसान हो गया ना कि लड़कियों को तो अपना घर छोड़ना ही है और तुमने तो अपने घर वालों से अलग होना ही है, लेकिन मैं लड़का हूँ, मैं लड़का होकर अपने घर वालों से अलग नहीं होता, अलग नहीं हो सकता। देखिए, अलग होने की डेफिनेशन अलग है। एक अलग छत रहने से आपके रिश्ते में दरार नहीं आती, और अगर रिश्ते में ऑलरेडी दरार है और आप एक छत के नीचे भी रह रहे हैं तो उससे वो जुड़ने वाला भी नहीं है। तो बेसिकली तो मन के रिश्ते की बात होती है कि आपके मन में कितनी दूरी है और कितनी यू नो समीपता है, कितनी फॉन्डनेस है एक दूसरे के प्रति। तो ये कहना कि अगर मान लीजिए आपकी फॉर एग्जांपल लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है और किसी वजह से आपको यू नो दिल्ली से पुणे में शिफ्ट होना पड़ता है और आपके माँ बाप या आपके भाई बहन आपके साथ नहीं जा सकते, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे अलग हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका काम धंधा अलग है, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो पे बात कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्काइप है, व्हाट्सएप है, सारी चीज़ों पर आप बात कर सकते हैं। और जब वापसी इधर आए एक साल दो साल बाद या कैसे भी, कभी वो विज़िट करें, कभी आप विज़िट करें, इसका मतलब ये थोड़ी की है कि हम घर से अलग हो गए। और ऐसे में ही अगर आपके घर में झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़्यादा है किसी भी वजह से, चाहे वो मम्मी पापा के बीच में है, चाहे वो सास ससुर के बीच में है, चाहे वो बेटी या बेटे या दामाद और बहू के बीच में है और आपको लगता है झगड़ा डेली हो रहा है, तो बेटर है कि हम ऊपर नीचे की छत ले लें, साइड की छत ले लें, एक एक गज दूरी बना लें ताकि वो डेली का झगड़ा ना आए, मन मिटाव ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, यू नो हैप्पीनेस के लिए। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो, क्योंकि कई बार होता है जनरेशन गैप होता है और जनरेशन गैप की वजह से कई बार कुछ चीज़ें लोग नहीं समझ, जैसे मान लीजिए मेरी मदर या मेरी सास फॉर एग्जांपल, मेरी अभी शादी नहीं हुई है बट फॉर एग्जांपल मेरी सास के साथ ऐसा हुआ हो कभी कि उन्होंने पूरे घर का खाना बनाया, वो जॉइंट फैमिली में रही हो, उनको न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनके हिसाब से बहुओं को यू नो कट स्लीव्स नहीं पहनना चाहिए या जॉब नहीं करनी चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, घर में खाना बनाना चाहिए, घूंघट पल्लू करना चाहिए, तो वो ज़माना तो गया। अब वो क्या अपनी बेटी के साथ भी ऐसा कर रही है? मुझे तो नहीं लगता वो कर रही है, तो फिर बहू के साथ ऐसा डिफरेंस क्यों? तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि जो बुरा हमारे साथ हुआ वो बुरा हम किसी और के साथ ना करें, और क्योंकि मेरे साथ हुआ तो मैं तेरे साथ भी करूँगा, ये तो डिफरेंस गलत है ना। आपको कैसा लगा था जब आपके साथ हुआ था, तो आप वो किसी और के साथ बदला क्यों ले रहे हो? तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हम रिस्पेक्ट करना सीखें दूसरे की भी, दैट वी वैल्यू लाइफ एंड टाइम लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में हम कुछ अच्छा करें बजाय इसके कि हम अपनी परंपराएं और अपने यू नो रीति रिवाज आँख बंद करके अंधे होके दूसरे पे थोपें। क्योंकि बहू बेटी में डिफरेंस करना भी गलत है और बेटे दामाद में डिफरेंस करना भी गलत है, और वो भी गलत है जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मतलब यू नो लात मार देते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, नॉट थ्रोइंग देम इन दी ओल्ड एज होम और दे थ्रोइंग यू इन दी अनाथ आश्रम, अनाथालय और दी ऑर्फनेज। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दैट लाइन। सो वन शुड बी इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस, और वक्त सबको सिखाता है, क्योंकि इंसान बदले ना बदले खुद से उसको वक्त ज़रूर बदलता है, चाहे वो मरने से 5 मिनट पहले ही क्यों ना बदले।
लेकिन अगर किसी ने गलती करी है तो उसको गलती का एहसास ज़रूर होता है, और वो दुख की बात है कि आप 100 साल 10 साल लगा देते हैं अपनी गलतियों को समझने के लिए। और कोरोना वायरस से तो आपको थोड़ा और जल्दी समझ जाना चाहिए कि ये दुनिया सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए तो नहीं है, सिर्फ इंसान के लिए तो नहीं है, स्पीशिज़म के लिए नहीं है, ह्यूमन इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट स्पीशीज, जानवरों के लिए भी है। आप जानवरों की सेवा कीजिए, हम करते हैं, आप भी कीजिए, अपने घर के बाहर बाउल रखिए, पानी रखिए, खाना दीजिए, छोटा छोटा तो हम सब कुछ कर सकते हैं।